क्रिकेट जगत में आपने यूं तो कई संयोग ऐसे देखे होंगे जिसने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया के दो धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में ऐसा संयोग हो चुका है जिसके बाद हर बार टीम इंडिया के वर्तमान समय के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इतिहास रचा है, रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक साथ पिच पर बल्लेबाजी करता देख हर भारतीय फैन की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में एक समय ऐसा दौर लाया था जिसमें शतकों की बारिश हो रही थी। साल में वनडे क्रिकेट में 6-6 ये शतक लगाने वाले बल्लेबाज जब भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो एक बड़ा संयोग जरूर होता है। चले जानते हैं कि आखिर वो कैसा संयोग है जिसके बाद रोहित शर्मा हमेशा बड़ा कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा जब जब विराट कोहली को रनआउट कराते हैं तो उनके नाम बड़ा स्कोर दर्ज होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात है साल 2013 की, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे। सीरीज जीतने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का पहला विकेट शिखर धवन के रूप में गिरा। इसके बाद वन डाउन पर बल्लेबाजी करने आते विराट कोहली और रन लेने के प्रयास में विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली को बुलाकर वापस भेज देते हैं, जिसके बाद रन आउट होने के बाद पवेलियन लौटते हुए विराट कोहली काफी गुस्सा हो जाते हैं और रोहित शर्मा को घूरने रखते हैं। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ऐतिहासिक 209 रनों की पारी खेलते हैं। उस समय ये तीसरा दोहरा शतक था विश्व क्रिकेट में और रोहित शर्मा ने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बतौर बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में बनाया था। इस दौरान रोहित शर्मा ने फिर से विराट कोहली को वापस बुलाकर भेज दिया। इस बार भी रोहित शर्मा के ना करने के बाद विराट कोहली आउट हो गए। हालांकि इस बार विराट कोहली ने रन बनाए थे, पिछली बार वो शून्य पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा के क्रीज पर खड़े रहने के बाद विराट कोहली रन आउट हो गए और एक बार फिर से वही हुआ। रोहित शर्मा ने मैदान में चौके छक्कों की बरसात कर दी और उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेली। जी हाँ, वो ऐतिहासिक पारी कौन भुला पाएगा। 264 रनों की ये पारी वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। 33 चौके 9 छक्कों के द्वारा बनाई गई ये पारी सबसे यादगार पारी है, लेकिन सबसे मजेदार इसमें विराट कोहली का रन आउट होना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ खेलते हुए 7 बार रन आउट हो चुके हैं, जिसमें से 5 बार कोहली रन आउट हुए हैं तो 2 बार रोहित शर्मा। लेकिन जब जब रोहित शर्मा ने विराट कोहली को रन आउट कराया है उसके बाद वो 2 बार दोहरा शतक, 1 बार शतक और 1 बार अर्धशतक की पारी खेल चुके हैं। यानी कि जहां विराट कोहली का रन आउट होना टीम इंडिया के फैंस के लिए दुख की बात है, वहीं रोहित शर्मा और टीम इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा शगुन है, क्योंकि इसके बाद चलता है हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला। तो क्या आप भी एक बार फिर से रोहित शर्मा के रहते विराट कोहली को रनआउट होता देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि उसके बाद शायद एक दोहरे शतक की पारी रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।